आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। एक महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बन जाए। जो भाई बहन हमारे इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आखिर हमारी वैकेंसीज कब से स्टार्ट होंगी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लखनऊ कुछ टीम हमारी रवाना हो रही है और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने का प्रोग्राम जो है वो बन रहा है और बहुत जल्दी हम लोगों को समय भी दे दिया जाएगा कि किस दिन वो हम लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस अवधि में अगर दो चार पाँच दिन के अंदर ये मौका हम लोगों को मिल जाता है तो जाहिर सी बात है आपका ये भाई भी वहाँ पर उपस्थित रहेगा और हम स्वयं वार्ता करेंगे इस मुद्दे पर और बातचीत करने के उपरांत आप सभी लोगों के तमाम उन मामलों को निपटाया जाएगा। लेकिन आज और कल ये दो दिन हम सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं की योग्यता अर्हता आदि के क्लियरेंस का जो मामला फाइनल हुआ है, जो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रेषित किया गया रिपोर्ट, उस पर चर्चा होगी और उसे शासन से मंजूरी मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, पदों की संख्या को बढ़वाना, साथ ही साथ एल्टीग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए ही हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे अब उसका वानगी दिखना लग गया। इसलिए आप सभी लोगों से मैंने हमेशा ही गुजारिश की है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो इस वर्ष सफलता प्राप्त करके अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो अपनी तैयारियों को सुचारू ढंग से स्टार्ट कर दें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। पढ़ाई में फोकस करना दोनों एक चीज़ होती है ना, मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है कि अरे यार ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, ये पहला स्टेप ये हमेशा इम्पॉसिबल लगता है। जब आप तैयारी शुरू कर देते हैं ना तब फिर ये लगता है कि यार जो मंजिल है हमारी आपको फ्लैट है, अब आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिए कि जब भी आपको सफलता मिलनी होती है आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आप बीमार भी पड़ सकते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, ठीक है ना, आप जो है किसी भी तरीके से आप मानसिक रूप से तनाव ले सकते हो। कुछ न कुछ परेशानियां आप सभी लोगों के जीवन में अवश्य आएंगी जब आपकी सफलता आपके बेहद करीब रहेगी। और याद रखिए, पढ़ते सभी विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, पढ़ता हर विद्यार्थी वो है जो कि कंपटीशन की तैयारी करता हो, लेकिन जब आपको ये लगे कि आपकी पुस्तकें ही आपसे बात करने लगी हैं, प्रश्न पढ़ते ही आपकी पुस्तकें ही उसका जवाब दे रही हैं, तब समझ जाइए कि आपकी सफलता बेहद नज़दीक है। और तैयारियां करेंगे, जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो दो चार महीनों का समय है जिसमें हम लोगों को परीक्षाएं देनी हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को बेहद ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बेहद ही बेहतरीन मौका मिलने वाला है, उस मौके का लाभ उठाइए और अपनी तैयारियों को सुचारू ढंग से कंटिन्यू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्टीग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें इस बात का डिसीजन किया जाएगा कि भैया ऐसी बात है कि क्या ये वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी कराने के लिए हम सभी लोगों ने भी प्रयास किया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे पास 14 परीक्षाएं हमारी पेंडिंग है। कितनी? 14 परीक्षाएं। इन परीक्षाओं को कराना हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, मतलब इन प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। लेकिन जब विज्ञापनों के बारे में बात किया गया कि विज्ञापन कौन सी आपकी प्रायोरिटी में है, तो उन्होंने सबसे पहला विज्ञापन का नाम लिया था सम्मिलित राज अभियंत्रण सेवा परीक्षा, एई का विज्ञापन, ठीक है। और जब ये चीजें पूछी कि क्या एलटी और जीआरसी पे आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर हमें शासन से क्लियरेंस मिल जाए कि हम 2018 जैसा विवाद पुनः नहीं चाहते हैं। जिस तरीके का 2018 में विवाद हुआ था
बहुत से विद्यार्थी कोर्ट गए, फिर मामला वहाँ से सेट आउट हुआ, फिर उसके बाद जो है तब जा करके विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिली। ऐसी कोई परिस्थितियाँ हम 2024 में नहीं रखना चाहते। हमें इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस मिल जाए, यहाँ फलाने विषय के लिए ये योग्यता है, इसके अतिरिक्त कोई योग्यता नहीं, ये डिग्रियाँ उसमें वैलिड होंगी, इसके अतिरिक्त कोई योग्यता उसमें वैलिड नहीं की जाएगी। जब हमें ये स्पष्टीकरण वाला पत्र प्राप्त हो जाएगा उसी दिन आपका विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन जब हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराना चाहता है, इस पर लोक सेवा आयोग का अस्पष्टता कहना था कि 2 चरण या 5 चरण या 4 चरण या 3 चरण, ये नियामक संस्थाएं क्लियर नहीं करती, तय नहीं करती, ये शासन प्रशासन तय करता है। जब हमें शासन से रिकमेंडेशन होगा कि आप 2 चरण नहीं 3 चरण कराइए, हम 3 चरण पेपर कराएंगे। अगर शासन ने कह दिया कि नहीं आप 1 चरण में कराइए, जैसे होता है वैसे ही होगा, तो वही चीज़ें होंगी। मतलब इस पे उनकी कोई भी आपत्ति भी नहीं है और स्वीकारोक्ति भी नहीं है, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। तो आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पुनः उपस्थित होंगे और आप सभी लोगों के लिए जो भी हर्षक कोशिशें हैं लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक, वो सारी चीज़ें अब कंटिन्यू चलेंगी। आज नहीं कल के तारीख में हमारे टीम के सदस्य भी जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े जनप्रतिनिधियों से वार्ता की है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से विद्यार्थी मिलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने का प्रोग्राम हम लोगों ने सेट किया है। कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को मिलने का वक्त मिल जाए तो हम लोग कुछ बेहतरीन सा कर सकें, ठीक है ना। तो देखते हैं कब तक समय मिलता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय इसी हफ्ते मतलब बुधवार बृहस्पतिवार तक मिलने का वक्त दे सकती है, मतलब 20 जून के पहले पहले मिलने का वक्त वो दे सकती है। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की ये नैतिक जीत होगी, हम लोगों को सारी चीज़ों का क्लियरेंस मिल पाएगा कि आखिर विज्ञापनों को लेकर के, अर्हताओं को लेकर के, नियमावलियों को लेकर के इतनी देरी क्यों हो रही है। जैसा कि पूर्ववत विद्यार्थी चिल्लाते आए हैं कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने भी दिशा निर्देश दिए कि खाली पदों को भरा जाए, लेकिन बात सामने आई केवल 2 लाख पदों की। 2 लाख पद मतलब जिसमें से लगभग 1,66,000 पदों के जो है प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं, शेष कहाँ है। तो लगभग 5.5 से 6 लाख पद आपके जो रिक्त हैं सरकारी विभागों में, जिसमें सबसे ज्यादा पद आप सभी लोगों को लगभग 2.25 लाख पद केवल शिक्षकों के खाली है ना। स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यार्थियों को नॉमिनेशन होता है, एडमिशन लेते हैं, जब शिक्षक नहीं रहते तो बेचारे भाग जाते हैं, बहरे में वापस लौट जाते हैं। गार्जियन भी कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम प्राइवेट स्कूल में विद्यार्थी का अपने बच्चे का एडमिशन करवा दें, कम से कम जाएगा वहाँ पे कक्खा गगा तो सीखेगा, है ना, पढ़ेगा तो, और वहाँ जाएगा तो वहाँ तो जो है मतलब अध्यापक ही नहीं है तो दिन भर इधर से उधर कूदेगा, क्या से क्या करेगा, भगवाने वाली। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है जाहिर सी बातें हार्मफुल होती हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ कि जिस तरीके से आप लोगों में भी उदासीनता है, ठीक है ना, उदासीनता को त्यागिए और थोड़ा सा एक्टिव बनिए, ठीक, क्योंकि नियमावली बनने का दौर जारी है। और ये भी सूचना है कि बुधवार तक आपकी माध्यमिक लेवल की जो नियमावली वो कंप्लीट हो जाएगी और शुक्रवार तक आपकी प्राथमिक जो लेवल की जो नियमावली है वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है ना। इसी हफ्ते में सब कुछ होना है जो होना है। अब विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि क्या बीए डिग्री धारक प्राथमिक में आएंगे, तो देखो इस पर बातचीत चल रही है, चर्चा इस पर चल रही है और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को एक मौका जरूर मिलेगा, जो बीए डिग्री धारक हैं उनको एक मौका जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बातें केंद्र सरकार तक जब पहुंची हैं कि ये बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पलटा है और इसमें जो महान्यायवादी महोदय ने थोड़ी सी अपनी बातें रखी, बाद में वो जो भी आना ही छोड़ दिया कोर्ट में, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ज्वलंत मुद्दे कौन पहुँचाता है जनप्रतिनिधियों तक, कार्यकर्ता ही तो पहुँचाते हैं ना, ये मामला ऐसी चीज़ है इस पर काम होना चाहिए। वही कोशिशें जारी हैं कि आप लोगों के जो थोड़ा बहुत समस्याएं शेष रह गई हैं वो सब दूर हो जाए, उसके बाद आप लोगों के विज्ञापन धड़ल्ले से जारी हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब तैयारी तब करना शुरू करते हैं
जब उनके सर पे आके नगाड़ा बजने लगता है, यहाँ अब पेपर देना पड़ेगा, परीक्षा आ गई, तब वो तैयारी शुरू करते हैं। और फिर वही स्थिति होती है कि तैयारी तो करते हैं, जो उनके पास 15-20 दिन का, एक महीने का समय बचता है, उसके बाद सब कुछ गुलगोबर हो जाता है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए पदों की संख्या को लेकर के। पदों की संख्या के विषय में शिक्षा निदेशालय से आज इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन लेंगे हम लोग कि कितने पद आप लोगों के जोड़े जाएंगे 2022 में, किन किन विषयों में कितने कितने पद बढ़ने की उम्मीदें हैं, सारी चीज़ों का क्लियरेंस होगा। क्योंकि कोई अधिकारी 2500 पद की बात कर रहा है, कोई 5000 पद की बात कर रहा है, तो आज इस चीज़ को क्लियर कर लिया जाएगा कि कितने पद बढ़ रहे हैं। और जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें कब तक विद्यार्थी इस चीज़ को शो ऑफ कर पाएंगे, देख पाएंगे कि हमारे विषय में कितने पद अब हो गए हैं। अभी तो वेबसाइट ही नहीं है उनकी, जब वेबसाइट होगी तो उन सारी चीज़ों का भी अपडेशन आप लोगों को मिलेगा। तो वेबसाइट पहले काम करने लगे तो ज़्यादा बेहतरीन है। आयोग तो बन गया, सदस्य भी आ गए, कार्यवाहक अध्यक्ष और परीक्षा सचिव भी आ गए, मतलब सचिव भी आ गए, तो वित्त अधिकारी भी आ गए अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ में, लेकिन शेष प्रक्रियाएं आप लोगों की वो विलंबित हो रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इन सभी प्रक्रियाओं से पर्दा उठने वाला है आप सभी लोगों का 25 जून के पहले पहले, ठीक है ना। इनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, उसके बाद आप लोगों का जो पहला शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा वो होगा टीईटी का विज्ञापन, टीजीडी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियां, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथियां। आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत बेफिक्र होकर के अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97141385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दो चार विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया IERT जो प्रयागराज की संस्था है, ठीक है ना, और इसमें कुछ लोगों ने पॉलिटेक्निक बीटेक वगैरह के लिए, मतलब एडमिशन लेने के लिए जो है फॉर्म वॉर्म भरे थे, तो कहे भैया पेपर हुआ कब होगा इसका, तो आज इसकी सूचना दी है उसमें समाचार पत्रों में, इसका प्रवेश पत्र जारी हो गया है। जो हमारे भाई बहन इसमें आवेदन किए हों अपना प्रश्न पत्र जो है वो प्रवेश पत्र वो डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। और आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, अब थोड़ा सा तालमेल बिठा करके हम लोग चल रहे हैं ताकि आप लोगों की समस्याओं को, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लीडर रहे हैं जो आप लोगों के हितों की बात करते रहे, तो सारे के सारे लीडर गायब हो गए मार्केट से, ठीक है ना। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग बचे हैं, बाकी सारे सारे लोग गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लाभ की स्थितियां कुछ भी नहीं दिख रही हैं। अभी क्या है कि अभी उनको धुतकार के साथ जो काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम सभी लोग लगातार लगे हैं, हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं कि अगर हम लोग भी अट जाएंगे तो सिस्टम अभी तो सुस्त है, फिर सुन्न पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के लिए प्रयास करना भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयत्न कर पाएंगे। चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग भी और भी बेहतरीन काम कर सकें। और जैसे ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिलना हम लोगों का होगा, आप सभी लोगों को TGT LT वगैरह का सारा मामला वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। हम लोगों ने एप्लीकेशन भेजा है और जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही भिजवाया है, अब देखते हैं कब वो मिलने के लिए समय दे देती है। मिलने के लिए समय देंगी तो आप सभी लोगों की तमाम उन समस्याओं का निराकरण एक दिन में ही हो जाएगा। स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।